हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने T20 क्रिकेट में दो बार डबल सेंचुरी मारी हुई है। जी हां, डबल सेंचुरी, वो भी दो बार। विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी क्रिस गेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स ये काम नहीं कर पाए अभी तक जो इस खिलाड़ी ने किया है। ये जो खिलाड़ी है उनका नाम है सुबोध भाटी, जो ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं और दिल्ली के लिए रणजी खेलते हैं। सुबोध भाटी ने 30 अक्टूबर 2015 को अपना पहला मैच रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की तरफ से खेला और 10 दिसंबर 2015 में विजय हजारे ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 4 विकेटें अपने नाम की। उनकी अगर विकेटों की मैं बात करूं तो यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ियों की विकेट वो ले चुके हैं। सबसे पहली डबल सेंचुरी की बात करें तो सुबोध भाटी ने अपनी पहली डबल सेंचुरी ऑल गोवा T20 टूर्नामेंट में 2018 में मारी थी, जहां पर उन्होंने मात्र 57 गेंदों पर 207 रन बनाए, जिनमें उनके 13 चौके और 21 छक्के शामिल थे। इतने छक्के मारे कि बॉलरों के छक्के छुड़ा दिए। और उन्होंने अपनी दूसरी डबल सेंचुरी अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले दिल्ली 11 की तरफ से खेलते हुए सिम्बा टीम के खिलाफ 79 बॉल्स पे 205 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 17 चौके और 17 छक्के जड़ दिए। इस तूफानी पारी के बाद सुबोध भाटी का नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्रिक हीरोज हर एक प्लेटफॉर्म पे छाया हुआ है। मानो जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे सैलाब सा आ गया हो सुबोध भाटी के नाम का। हर कोई जानना चाहता है कि कौन है ये सुबोध भाटी। और इस डबल सेंचुरी के साथ सुबोध भाटी इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है T20 क्रिकेट में, और वर्ल्ड के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है। और वर्ल्ड के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पहले डबल सेंचुरी मारी थी वो है श्रीलंका के धनुका पथिराना, जिन्होंने 2007 में मात्र 72 गेंदों पर 277 रन बनाए, जिसमें उनके 18 चौके और 29 छक्के शामिल थे। लेकिन सुबोध भाटी दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक नहीं दो बार, जी हाँ दो बार डबल सेंचुरी मारी है, दो बार दोहरा शतक ठोका है। और मैं आपको बता दूं कि सुबोध भाटी जो है एक गांव से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड देसी है, देसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और वहां से उन्होंने अपने पैशन को आगे बढ़ाया, क्रिकेट खेला और आज इस मुकाम को हासिल किया है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बाद सुबोध भाटी को IPL में खेलने को मिलेगा, या फिर टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि सुबोध भाटी IPL खेले या उनको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिले, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राम राम।